राजस्थान में हुए महिला डॉक्टर की आत्महत्या का आईएमए के डॉक्टरों ने जताया विरोध, दोषियों पर कार्रवाई का किया मांग। आज शनिवार को आईएमए कैमूर द्वारा प्रसूता की राजस्थान के दौसा में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा का आत्महत्या मामले में कसूरवारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर आज भाभुआ के सदर अस्पताल में आईएमए के डॉक्टरों ने विरोध जताया है। वहीं सरकार से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर संदेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मंगलवार को एक प्रसूता के मौत के बाद परिजनों एवं स्थानीय नेताओं एवं पुलिस प्रताड़ना के बाद आत्महत्या कर ली थी। प्रसूता की मृत्यु प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण हुई थी। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने रक्तस्राव रोकने के लिए 2 घंटे तक अथक प्रयास किया था, क्योंकि किसी भी मरीज से डॉक्टर की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। डॉक्टर अपने मरीज को बचाने का हर संभव प्रयास करता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान होता है, भगवान नहीं। अगर मरीज के परिजन व स्थानीय नेता व पुलिस प्रशासन डॉक्टर के साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो कोई भी डॉक्टर गंभीर केस अपने हाथ में नहीं लेगा। वहीं आईएमए कैमूर के डॉक्टर ने राजस्थान सरकार से अर्चना शर्मा को आत्महत्या करने एवं उकसाने वाले दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अविलंब कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की है। राष्ट्रीय आईएमए के आह्वान पर राजस्थान के दौसा की लाल सोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा के मौत के कसूरवारों की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में बंद किया गया है। सुबह 8 बजे से 6 बजे शाम तक प्राइवेट बंद है, प्राइवेट बंद है। क्या उसका मांग है? मांग है कि जो भी, चूँकि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मंगलवार को एक प्रसव प्रसूता के प्रसव के बाद में मृत्यु हो जाने के बाद में मरीज के परिजनों एवं लोकल नेताओं और पुलिस के प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर लिया था। चूँकि प्रसूता को अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने पूरे 2 घंटे लगातार स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश किया, लेकिन वो मरीज को बचा नहीं पाया। चूँकि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को मारना नहीं चाहता, अपनी तरफ से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उनको 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया। उसके मरने के बाद में उनको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया गया, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, बिना किसी मेडिकल बोर्ड के बैठाए, बिना उसके निर्देश को दिए हुए उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया। इस तनाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर दिया। तो हम राष्ट्रीय आईएमए द्वारा मांग ये है, हम राजस्थान सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि जो भी अर्चना शुक्ला के अर्चना शर्मा के आत्महत्या के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तारी अविलंब गिरफ्तारी, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो हम आगे की कार्रवाई नेशनल आईएमए के निर्देश पे जो भी होगा आगे। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।